जिला बोकारो में कुपोषण उपचार केंद्र कुपोषण से लड़ाई में काफी कारगर सिद्ध हो रहा है। आकांक्षी जिले के तहत चलाए जा रहे इस कार्यक्रम से यहां पर उपचार कराकर निकलने वाले बच्चों और उनकी माताओं में संतोष का भाव है, जो एक बड़ी समस्या से निजात दिला रहा है। देखिए स्वास्थ्य पर ये पैकेज। किसी भी घर परिवार में बच्चे का जन्म लेना हर्ष का विषय होता है, लेकिन कभी कभी बच्चे का वजन कम होना और कुपोषित बच्चे की पैदाइश अभिभावकों की चिंताएं बढ़ा देती है। झारखंड के बोकारो जिला निवासी गुड़िया देवी का बेटा शिवम भी जन्म के समय काफी कमजोर था। बेटे की हालत देखकर वो उसे चास अनुमंडल अस्पताल परिसर स्थित कुपोषण उपचार केंद्र लेकर आई, जिसके बाद शिवम की सेहत में लगातार सुधार होता गया। कुछ ऐसी ही कहानी संध्या कुमारी की भी है। कुपोषण उपचार केंद्र की जानकारी मिलने पर वो भागी भागी इस केंद्र में पहुंची और जहां उनके बेटे विकास कुमार महतो का उपचार शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि अब उनके बेटे का वजन बढ़ रहा है, साथ ही उसे भूख भी लगने लगी है। हम लोग दुर्गापुर गांव से आए हुए हैं। मेरा बच्चा पहले बहुत ही कमजोर था, खाने उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बट वो खाने के लिए खाना नहीं चाहता था। तो इसके बारे में सुने थे तो यहाँ बाबू को ले आए, तो यहाँ ठीक ही खा रहा है। पहले से वजन भी इसका बढ़ा है, पहले कम था, अब थोड़ा सा इसका वजन बढ़ा है। बाबू के साथ साथ माँ लोग को भी सुविधाएं मिला हुआ है, माँ को भी दो टाइम का खाना मिलता है। इसका कमजोरी था, बैठने नहीं चलने नहीं, यहाँ आने से बैठने लगा, खाना अच्छा से मिल रहा है। इसका दूध मिलता है, दलिया मिलता है, सूजी मिलता है, खिचड़ी मिलता है, सब कुछ टाइम टाइम में मिल जाता है। न्यूट्रिशनल काउंसलर अजीता आनंद ने कहा कि इस उपचार केंद्र में 0 से 5 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों का इलाज होता है। उन्होंने बताया कि यहां लड़कों की तुलना में कुपोषित लड़कियों की संख्या ज्यादा है। सुबह शाम बच्चों को दवाइयां दी जाती हैं, हर 2 घंटे पर बच्चों को थेरेप्यूटिक फीड और दूध भी दिया जाता है। इसके अलावा खिचड़ी, सूजी, दलिया, ये सब भी ऑन डिमांड दिया जाता है। हमारे यहाँ किसी में माँ और बच्चे दोनों का खून जाँच करवाया जाता है। अगर हीमोग्लोबिन कम होता है तो माँ को भी आयरन, कैल्शियम, अल्बेंडाजोल का टैबलेट देकर उनको भी पहले सही से इलाज किया जाता है। इस कुपोषण उपचार केंद्र में फिलहाल 1 दर्जन से ज्यादा कुपोषित बच्चों का बेहतर इलाज चल रहा है। यहाँ बच्चे के खान पान के अलावा साफ सफाई की भी जानकारी दी जाती है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत संचालित इस कुपोषण उपचार केंद्र में बच्चों के अनुकूल सभी आधारभूत संरचना उपलब्ध है। हालांकि हाल के 4 वर्षों में हालात जरूर बेहतर हुए हैं। इसकी झलक चास के इस कुपोषण उपचार केंद्र में साफ तौर पर दिखती है, जो कुपोषित बच्चों को उससे उबरने में मदद भी कर रहे हैं। यह आकांक्षी जिला कार्यक्रम की बड़ी सफलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।